सुना ये मन मैडम ना जाओ, यही कहता है धड़कन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 12 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। इनमें कानपुर दक्षिण की एसपी रही रवीना त्यागी का भी नाम है। अब उन्हें एसपी सीबीसीआईडी कानपुर में नई तैनाती दी गई है। तबादले के बाद उनके सहयोगियों ने उन्हें बेहद ही अनोखे अंदाज में विदा किया। गाना गाकर नहीं जाने की उनसे अपील की गई, तो वहीं ढोल और नगाड़े के साथ विदाई दी गई। हम सब ही रोएंगे यादों के मीठे पल, हरदम याद आएंगे। प्यारी तेरी बानी है, बड़ी ही सुहानी है। आज है विदाई मैडम, आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन मैडम ना जाओ, यही कहता है धड़कन। लाजवाब है मेरे मैडम का फसाना, कोई सीखे इनसे हर पल मुस्कुराना। बस ख्वाहिश इतनी सी है कि इनकी हंसी को कोई नजर ना लगाना, बड़ी मुश्किल से सीखा होगा इन्होंने मुस्कुराना। दबंग लेडी ऑफिसर के तौर पर पहचान रखने वाली रवीना त्यागी का जन्म भोपाल में 11 नवंबर 1987 को हुआ था। पहले महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ाई की, 12वीं पास करने के बाद नोएडा के जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से बीटेक किया। इसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी की और साल 2014 में 170वीं रैंक हासिल कर आईपीएस बनी। उनकी पहली पोस्टिंग एएसपी के पद पर मुरादाबाद में हुई थी। इसके बाद वो आगरा में एएसपी रही। रवीना त्यागी बरेली में एंटी रोमियो स्क्वाड में छेड़छाड़ करने वाले युवकों को सबक सिखाकर सुर्खियों में रही। यही नहीं, उन्होंने स्कूल, कॉलेज, पार्क और सार्वजनिक स्थानों पर युवतियों के साथ छेड़छाड़ और टिप्पणी करने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। न्यूज डेस्क।